पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा ने लहराया अपना परचम। भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियों का सूबा साफ। मध्य प्रदेश के सभी 29 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा। इस ऐतिहासिक जीत के साथ भाजपा ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है, जहां पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने पूरे प्रदेश में सभी लोकसभा सीटों पर अपनी जीत दर्ज की हो। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में मना विजय उत्सव। मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश संगठन महामंत्री एवं वरिष्ठ नेतृत्व ने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का जताया आभार। कांग्रेस के अहंकार और बड़बोलीपन को भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिया जवाब। इस चुनाव में हमारी लड़ाई कांग्रेस के परिवारवाद से थी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश की जनता ने बता दिया एमपी के मन में मोदी। कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और जनता के संकल्प से मिली ऐतिहासिक विजय। विष्णुदत्त शर्मा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाना चमत्कार है। छिंदवाड़ा की कसक समाप्त, शिवराज सिंह चौहान। हमारी लड़ाई कांग्रेस के परिवारवाद से, जनता ने बता दिया एमपी के मन में मोदी। विष्णुदत्त शर्मा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। टीम भावना से कार्य करके मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास। एमपी के मन में मोदी का भाव साकार हुआ, शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। जिस प्रकार का रिजल्ट आया है, हाथ तो पीछे कर लो, ये पूरा रिजल्ट भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, परिवारवादियों के खिलाफ और तमाम प्रकार के आरोप और कई ऐसे हल्के हथियार अपनाने वाले गठबंधन के खिलाफ यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बड़ी जीत के माध्यम से हमारा एनडीए गठबंधन एक मजबूत सत्ता संभाल करके माननीय मोदी सभी वर्गों को साथ लेकर के भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए फिर संकल्पित हो रहा है, जनादेश लेकर आगे बढ़ रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे इतने बड़े देश के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनमत के साथ माननीय को तीसरी बार मौका मिल रहा है। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में आमतौर पर कांग्रेस के लोगों का दो बार का रिकॉर्ड है, लेकिन ये माननीय मोदी जी का रिकॉर्ड यह अद्वितीय है, जो लगातार जनता की सेवा करते हुए 2014 के पहले इनकम्बेंसी का शब्द चलता रहता था कि जो एक बार सरकार बनाता है जनता के बीच धीरे धीरे से एक मन का फेराव आ जाता है और अगली बार उसको मौका नहीं मिलता। माननीय मोदी जी ने कई रिकॉर्ड तोड़े, उसमें से एक एंटी इनकम्बेंसी वाला शब्द भी समाप्त किया है। जनता का लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ भाजपा का वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा या भाजपा ले लेना मोर्चा तुरंत, ऐसे समय ले लेना तुरंत। सच्चे अर्थों में उन सबको भी जवाब है जो कल तक आप सबके माध्यम से जो एग्जिट पोल आए थे उसके बारे में प्रश्न कर रहे थे, और ये वो कहने वालों को भी जवाब मिला जो कह रहे थे कि 4 तारीख के प्रधानमंत्री का आखिरी प्रधानमंत्री का समय है। यहाँ तक कि कितना हल्का बोला गया था, मैं उन सभी बातों को ये जनता का जवाब मानता हूँ जो जनता के बीच माननीय मोदी ने सेवा की है, और खास कर एक गरीब परिवार से निकल करके, एक ओबीसी समाज से निकल करके देश का प्रधानमंत्री जनता के बीच जाकर जनता का समर्थन जुटाता है, और ऐसे में उससे उस आनंद के और दोहरा आनंद तब बढ़ जाता है जब हमारे देश के अंदर 29 की 29 लोकसभा सीट जनता के आशीर्वाद से आती है, और 29 लोकसभा सीट में भी रिकॉर्ड तो देखिए, हमारी अपने प्रदेश के अंदर एक सीट 11,11,000 से ऊपर के लिए इंदौर की जीतते हैं, दूसरी सीट हम 8,00,000 से जीतते हैं। माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के साथ दो अन्य और 5.5 लाख के आसपास वोटों से जीत रहे हैं, 8 सीट हम 4,00,000 से ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं। हमारी जीत कोई भी 25 सीटें 29 में से 1,00,000 से ज़्यादा सीटों की, और जैसे मैंने कहा था इनका एक छत में आवरण बनाया था कि ट्राइबल हमारे साथ है, एससी हमारे साथ है। आपकी जानकारी के लिए ट्राइबल के अंदर भी हमारा भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड, पहली बार हम अभी झाबुआ 1,00,000 से जीते थे, और ये कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बहुत बड़े केंद्रीय नेता और जमाने भर की उनकी अपनी समाज की उनकी बड़ी पहचान थी, लेकिन एक सामान्य हमारी कार्यकर्ता अनिता नागर सिंह ने उनको डबल अंतर से हराया। पिछली बार 1,00,000 से हराया था, इस बार 2,00,000 से हराया। ये जो हमारा अपना ट्रैक रिकॉर्ड, इसी प्रकार से कमलनाथ जी बहुत बड़ा नाम है,
आज़ादी के बाद उनका छिंदवाड़ा तो ऐसा मान के चलते कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बार छिंदवाड़ा भी हम 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। बंटी साहू जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता ने जनता के बीच अपनी बात रखी और भाजपा के बैनर तले यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी अपनी वो छिंदवाड़ा अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए हमने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यशस्वी माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मिश्रा शर्मा जी उनके अपने कुशल संगठन के माध्यम से जिनके कारण से साथ पूरा संगठन हमारे अपने सभी सीटों के समन्वय के साथ चारों चरणों के चुनाव बहुत अच्छे से हुए। साथ ही में प्रशासनिक मशीनरी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, सरकार के सभी अंगों को, क्योंकि जो पिछली विधानसभा की सरकार के बाद हमारी सरकार ने लगभग 6 माह का हमारा समय हुआ है, लेकिन सभी प्रकार से काम करते करते जनता का दिल जीतते हुए जनता का मन में और आधार बढ़ाने का परिणाम ये निकला कि लगभग 7% वोट OBC वर्ग का और सामान्य और सब मिला करके लगभग 11% वोट बैंक हमारा बढ़ा। ये 11% वोट बैंक की ये रिकॉर्ड पूरे देश का सबसे अलग प्रकार का, लगभग 61% मतदान हमारे को मिला और कांग्रेस का वोट घटते लगभग 30% के आसपास उनका वोट बैंक रह गया। ये इस बात का संकेत देता है कि पूरा प्रदेश भाजपामय हो चुका है, पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका है और हम सब मिलकर के एक बार फिर नए संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार के लिए संकल्पित है, आशीर्वाद दिया है। देश के उत्तर से लेकर के पूर्व पूरे चारों क्षेत्रों में, देश के अंदर पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां पर आप देखेंगे कि उड़ीसा में भी सरकार बन रही है, अरुणाचल के अंदर भी प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है, तो भारतीय जनता पार्टी वो जनता का अखिल भारतीय संगठन जो भारतीय जनता पार्टी है वो जनता का आशीर्वाद आज मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के NDA के गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है, जनता का आशीर्वाद मिला है और जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो जनादेश दिया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि कुछ अवसर उनको मिल गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया है परिवारवाद से लेकर के भ्रष्टाचार और आतंकवादी समर्थन करने वाली ताकतें इस देश के अंदर नहीं होंगी, इनसे संघर्ष जारी रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है, वो फिर भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये जो जीत हुई है, आज मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं पर, हमारी टीम स्पिरिट माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की एक टीम भावना के साथ हमने चुनाव लड़ा। हम 80% बूथों पर चुनाव जीत रहे हैं और मध्य प्रदेश के अंदर मैं आपको गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि भाजपा के एक एक कार्यकर्ता की अथक मेहनत और परिश्रम है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमने 10% वोट शेयर की बात की थी, लगभग 65% तक हमारा वोट शेयर जाएगा जब फाइनल आंकड़े आएंगे। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के पूरे नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के उन सभी समर्थकों को आज मैं बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और पूरे मध्य प्रदेश के नेतृत्व को और सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं।